राजस्थान में बीजेपी के अंदर खाने की लड़ाई अब किसी से नहीं छुपी है, और गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी इस पर कुछ क्लियर भी नहीं करती। इसीलिए साफ दिखता रहा है कि राजस्थान में भजनलाल वर्सेस वसुंधरा राजे है। इसी बीच अब तो इस बात का सबूत भी दे दिया गया है कि वसुंधरा को सीएम भजनलाल नीचा दिखाना चाहते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, वसुंधरा राजे बीजेपी के कैसे नेता है जिनकी तारीफ विपक्ष भी करता है, क्योंकि उन्होंने कई योजना से लोगों का भला किया है, लेकिन उनकी इन योजनाओं को भजनलाल सरकार में शायद वैल्यू नहीं मिल रही है, जिस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। वसुंधरा को नीचा दिखाने का भजनलाल का प्लान, दरअसल मामला ईआरसीपी को लेकर है। 2017 में वसुंधरा राजे सरकार ने ईआरसीपी योजना को तैयार किया था, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किए जा रहे हैं। इसी का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के गंगापुर विधायक रामकेश ने उठाया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि भजनलाल सरकार और बीजेपी ने वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए ही ईआरसीपी का नाम बदला है। उन्होंने कहा है कि इस योजना का भजनलाल सरकार ने नाम बदला ताकि वसुंधरा को नीचा दिखाया जा सके, और ईआरसीपी से इसका नाम पीकेसी कर दिया। आपने यहाँ ईआरसीपी को लेकर विधायक रामकेश ने आरोप लगाया है कि भजनलाल सरकार ने वसुंधरा को नीचा दिखाने के लिए इस योजना का नाम बदला है। इससे साफ है कि वसुंधरा को भजनलाल ने नीचा दिखाया, ऐसी बातें चल रही है। क्या है ईआरसीपी, अब इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के 21 जिलों में पानी की समस्या दूर करने के लिए ईआरसीपी को बनाया गया। भजनलाल सरकार में मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू भी साइन हो चुका है। ये समझौता बताता है कि दोनों राज्य पानी को शेयर करेंगे, एक दूसरे को पानी पहुंचाएंगे। वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में इस योजना पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब इस योजना को लेकर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि भजनलाल सरकार वसुंधरा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान बीजेपी की बात करें तो राजे और भजनलाल दोनों अलग अलग राह पर नजर आ रहे हैं। राजे अभी तक इस बात से नाराज है कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, और इसके चलते वो बीजेपी के हर फैसले से दूर रहती है। वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगता रहा है कि वो भी राजे को साइड कर रही है। फिलहाल इस खबर पर और जिस तरह से कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि भजनलाल सरकार राजे को नीचा दिखाना चाहती है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।